नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। दैनिक राशिफल सबसे पहले जानते हैं दैनिक पंचांग के बारे में। 13 मई 2024 सोमवार का दिन है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और नक्षत्र है पुनर्वसु। सुबह 11:24 तक गण नामक योग बन रहा अभिजीत मुहूर्त है। सुबह 11:50 से दोपहर 12:44 तक राहुकाल का समय। सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक राहुकाल के समय में कोई भी नियम और शुभ कार्य ना करे विघ्न आ सकती है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए ठीक है लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा भारी है। किसी बात पर पड़ोसियों से तनाव ना हो इसलिए जरा संभल कर रहें। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तब आपको पद प्रतिष्ठा का प्राप्ति होगा। घर का माहौल सुखद है, कोई महत्वपूर्ण सफलता आपका इंतजार कर रहा है, तैयार रहें। कोर्ट कचहरी के मामले बाहर ही सुलझा लें तो आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ी काम की अधिकता है, हालांकि धन लाभ के योग बने हुए हैं। आपके स्वास्थ्य में भी आज सुधार होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा संतुष्ट रहेंगे। मन में किसी प्रकार का कोई बोझ है तो वो हल्का होगा। और स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य है, लेकिन आपको थोड़ी सी थकावट हो सकती है। हालांकि इस समय जो युवा वर्ग हैं, आर्थिक मामले ना उलझ जाएं इसलिए हर चीज़ों में संभल कर कूदें। और व्यापारी भाइयों को जो विरोधी हैं थोड़ा सा आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं, हर तरफ नज़रें बनाए रखें। जो लोग जॉब करते हैं, आज चुनौतियों के बावजूद आप बेहतर करेंगे और आपके उच्चाधिकारी भी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। व्यापारी भाइयों को यात्रा के योग बने हुए हैं, उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें। तो आज जो लोग विवाहित हैं, रिश्ते बढ़िया रहेंगे और आपको फोकस भी रखना है रिश्तों को बेहतर बनाने में। पैसों को चालाकी से संभालने की आवश्यकता है। याद रखें, हर कोई चाहता है कि उसे वैसा ही देखा जाए, सुना जाए या अपनाया जाए जैसे वह है। हालांकि बातचीत से करियर में अप्रत्याशित अवसर मिलेंगे और जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो परेशानी बाद में हो सकती है। आज शुभ रंग है क्रीम, भाग्य साथ निभाएगा। करीब आज के दिन आपके लिए 70% भाग्यांक साथ है। निर्धन को अगर धन का दान दे तो उत्तम है। और अपने वजन का भी ध्यान रखिए और आज भारी चीज को उठाइएगा भी मत। वैसे लव लाइफ आज उत्तम है, लेकिन कुछ फरमाइशें हो सकती है। प्रेम जीवन में हालांकि आनंदित महसूस करेंगे या किसी से मिलना हो सकता है जो आपको सुकून देगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा वक्त चल रहा है। मनोरंजन से जुड़ी चीज़ों में भी आप समय बिताएंगे, लेकिन पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और बेवजह समय बर्बाद मत कीजिएगा। हम फिलहाल विदा लेते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।